केंद्र ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इस कमेटी का मकसद एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना होगा। सूत्रों का कहना है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल ला सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति के प्रमुख होंगे। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। अब इस मामले पर विपक्ष क्या बोल रहा है, सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर दो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।